हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं मोनोपोली के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में स्टडी किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट क्या होती है? मार्केट मींस ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड परचेज करने के लिए सेलर्स एंड बायर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारी बेसिकली चार टाइप की होती है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। आज हम बात करने वाले हैं मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली यानी ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है और जो ये प्रोडक्ट, जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका कोई भी क्लोथ सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जो एक दूसरे के प्लेस पर हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक टी एंड कॉफ़ी, टी की जगह पर हम कॉफ़ी ले सकते हैं, कॉफ़ी की जगह पर हम टी ले सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसे कोई भी क्लोथ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी कौन सी है? मोनोपोली मार्केट है। अब लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ देखी थी कि फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। एस्टिमेशन ऑफ फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री, बट मोनोपोली के अंदर ये चीज़ याद रखना, फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सेलर है। तो इसके अंदर क्या इंडस्ट्री होगी, क्या फर्म होगी, आप किसका एस्टिमेशन करोगे? एक अकेली फर्म अगर आप उसका एस्टिमेशन करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो इक्वल ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारी फर्म और इंडस्ट्री क्या है, इक्वल है। एग्जाम्पल क्या है मोनोपोली मार्केट का, लाइक इंडियन रेलवेज, वो क्या है, उनकी एक मोनोपोली है, ठीक है। सो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं। अब भाई रेल में बैठने वाले कितने हैं, बट उनकी क्या है, मोनोपोली है, मार्केट में सिंगल सेलर है ना। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कैसा है, डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी वो अपनी मर्जी से प्राइस जितना भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। यहाँ पे जो बायर्स हैं उनको नॉलेज नहीं होती, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती कि भाई कितना प्राइस होना चाहिए। देन इम्परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी कहीं पर भी, तो मोबिलिटी का मतलब होता है सेल एनीवेयर, ठीक है, तो आप कहीं पे भी इसको सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि डिफरेंट जो कंज्यूमर्स हैं उनसे डिफरेंट चार्जेस वो ले सकते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। मतलब भाई बंदे की तब मोनोपोली है, कल्ला सेलर है, तो चाहे वो जैसे मर्जी करे, तो कंज्यूमर कुछ नहीं बोल सकते, इनका फुल कंट्रोल होता है प्राइस पर, चाहिए प्राइस घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, लेस देन वन होती है। डिमांड का हमारा लेस इलास्टिक होता है। यहाँ पे हमारे प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, ऑब्वियसली बात है तब कल्ला सेलर है, अपनी मर्जी से प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या है, उसको प्रॉफिट क्या होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे। एंट्री और एग्जिट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ईजिली एंटर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है मैनी बिजनेस चेक्स, तो ये फ्री नहीं है चेक से। यहाँ पे इसका मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, चेक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट इम्पोजेस नो रिस्ट्रिक्शन, और या फिर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने इम्पोज करी है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी है, आप इसके अंदर इजली एंट्री नहीं कर सकते। इसके बाद है सेलिंग कॉस्ट नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम इसके डिमांड को की बात करें अंडर मोनोपोली, तो कैसा बनता है डिमांड को अंडर मोनोपोली, डिमांड को की स्लोप्स होती है वो डाउनवर्ड होती है। डाउनवर्ड क्यों होती है, ये हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो यहाँ पे जो हमारा डिमांड को है ये लेस इलास्टिक बना है। लेस इलास्टिक क्यों बना है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। तो हमने अगर पेपर में पूछा जाता है तो हमने इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, पहले हमने बताना है इसकी स्लोप्स डाउनवर्ड है ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांड। सेकेंड चीज़ हमने बतानी है जो इसकी डिमांड कर्व है ये लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक क्यों है, क्योंकि इसका कोई भी क्लोथ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। फिर हम बात करें अगर इसके अंदर
कि जो हमारी मोनोपोली है यहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, चाहे लॉन्ग रन में पूछे आपसे, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो हमारा लॉन्ग रन पे ही आता है। अब जैसे लास्ट में हमने पढ़ी थी जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन था, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, बट यहाँ पे सिंगल सेलर है इसलिए यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, और प्राइस पे भी पूरा कंट्रोल है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी है, और एंट्री यहाँ पे जो न्यू फॉर्म है वो इजली नहीं कर सकती, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, एंट्री यहाँ पे नहीं हो सकती। सो ये थी हमारी मोनोपोली मार्केट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।